हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैप्टन पंजाबी रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं आलू की सब्जी। हम नॉनस्टिक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने पर इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और एक चम्मच जीरा डालेंगे। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भुनेंगे। अब इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, ये पक गया है। इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और उसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए, मसाला अब तैयार हो गया है। अब हम इसमें बॉइल्ड क्रश किए हुए आलू डालेंगे। इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी सब्जी की ग्रेवी पर डिपेंड करती है कि ग्रेवी आपको कितनी थिक या लाइट चाहिए। इसे मिक्स कर लेते हैं। और पैन को ढक देंगे और 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, मैश्ड आलू काफी अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स हो गए हैं और ये गर्मा गर्म आलू की सब्जी खाने के लिए तैयार है।